सचराकाल दा टीवी एनआरआर तुसीं वेख रहे हो ते मैं हां तुहाडे नाल नेहा लुधियाने। तो इस वेले दी वड्डी खबर सामने आई है जिथे की सिमरजीत सिंह बैंस नू पुलिस दे वल्लों भगौड़ा करार कर दिता गया है ते उसदे साथियां समेत उसदा पोस्टर जगह जगह ते लुधियाने दे विच लगा दिता गया है कि ए बंदे फरार ने। असल दे विच बलात्कार मामले दे विच सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी के वारंट निकले सी, पर उदों तो ही सिमरजीत बैंस है जेड़े ओ फरार ने अपने साथियों के नाल। हुण इस वेले पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं लगातार जेड़ा लब्भन की कोशिश की जा रही है, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी समा हो चुका है सिमरजीत बैंस नूं अपने साथियों के नाल फरार होया नूं। हुण इस तों बाद पुलिस अधिकारियों के वल्लों जगह जगह ते लुधियाने दे विच पोस्टर लगा दिते गए ने कि ये जेड़े सत्त लोग है ये फरार है ते जड़ी जनता है उसके अगे अपील की गई है कि जेकर तुहानू इन्हां लोकां दे विचों किसे भी बारे कोई भी जानकारी मिले कुछ भी पता लगे तो तुसी पुलिस नू इस दे बारे सूचित जरूर करियो क्योंकि सिमरजीत बैंस दे उत्ते बलात्कार मामले दे विच केस दर्ज किया गया सी। लगातार सुनवाइयां कोर्ट दे विच इस मामले ते हुंदियां रहियां ते गिरफ्तारी दा जद वारंट निकलिया ते उस वेले सिमरजीत सिंह बैंस है जिहड़े अपने साथियों समेत फरार हो गए। पुलिस दे वल्लों उन्हां नू भगौड़े करार कर दिता गया है, पोस्टर जगह जगह ते लगा दिते गए हैं ते हुण लगातार पुलिस उन्हां नू भाल रही है, उन्हां दी भाल कीती जा रही है कि जद भी पुलिस नू इन्हां लोकां दे बारे पता लगेगा पुलिस इन्हां नू जाके गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि सिमरजीत बैंस दे उत्ते मामला दर्ज किया गया होया है बलात्कार दा ते गिरफ्तारी दा जद वारंट निकलिया सी उस वेले ए जड़े है लापता हो गए से अपने साथियों के समेत। हुण पुलिस दे वल्लों लगातार इन्हां दी भाल कीती जा रही है। इस पूरे मामले ते पुलिस अधिकारी दा की कहना सी तुसीं सुन सकदे हो। बैंस और जिहड़े उहदे नाल दे होर बंदे भगौड़े हैगे ने उन्होंने बस अड्डे रेलवे स्टेशन और अलग अलग बाज़ारों के जगह पर जिथे जनतक जगहां है ने उत्थे पोस्टर लगा दिते गए हैं और आम लोगों भी इस गल की असी अपील की हैगी है और इतों भी मैं करता है कि जिसके कोल भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हैगी है कि ये मुलजम कितने ने वो जरूर साढ़े नाल शेयर करन ताकि असी जल्दी तो जल्दी उन्होंने गिरफ़्तार कर सकी। वैसे भी साड़ी ऑलरेडी कई टीम्स है ने जिहड़ा इस मामले के उत्ते पैनी नज़र रखी हुई है और जल्दी ही उसनों असी ट्रेस कर लाँगे और डेफिनेटली गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करा। सर पीड़िता इल्जाम लगा रही है भी पुलिस वालों जी कार्रवाई नहीं की जा रही, वो फेसबुक के उत्ते एक्टिव आ कहते भी फिर भी जिते तक वो फेसबुक एक्टिव हैगा उसकी भी जी हैगी है असी ट्रैकिंग कर रहे हैं और हर संभव कोशिश जी हैगी की जा रही है और बहुत जल्दी क्योंकि फेसबुक तो ट्रैकिंग करनी है साढ़े इमीजिएटली साढ़े को नहीं आती हुई इन्फॉर्मेशन और वो बंदा कितों कितों मूव कर रहा है लेकिन एक पैटर्न बन रहा है साढ़े को असी कर रहे हैं और मेरा ख्याल वो वाजिब भी नहीं होएगा कि मैं थोड़े नाल शेयर करा। इन्ना जरूर थोड़ू मैं दस सकता हाँ और यकीन दवा सकता हाँ कि बहुत जल्दी उस इलाकों के पिछे होएगा। मियाँ भारती जी +91 9815512050 घर बैठे हर समस्या का समाधान 100% गरंटीड करवा, ओपरी हवा वशीकरण करवाना या तुड़वाना, प्रेम विवाह मनचाहा प्यार लाटो लाइलाज बीमारी, पति पत्नी दे झगड़े दुश्मन सौतन नौकरी कारोबार घरेलू कलेश अते कोर्ट कचहरी तो छुटकारा, विदेश यात्रा विच रुकावटां अपने करियर विच सफलता प्राप्त करो। कॉल और व्हाट्सएप मिया भारती जी +91 9815512050। सूफी सम्मत खान जी विश्व प्रसिद्ध लुधियाना वाले, कॉल या व्हाट्सएप करो +91 9878687869। समस्या तुहाडी समाधान साडा, इधर उधर ना भटको। सब तो पहला काम करन दा वादा, लव मैरिज प्यार च धोखा व्याह च रुकावट सौतन दुश्मन तो छुटकारा, पति पत्नी चनमन घरेलू कलेश नौकरी कारोबार वशीकरण करना या तुड़वाना, कीता कराया लॉटरी अचानक धन प्राप्ति, विदेश च पक्का होने विच रुकावटा कोर्ट कचहरी तो छुटकारा। वंस कॉल सूफी सम्मत खान जी एंड गैट सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। कॉल या व्हाट्सएप करो +91 9878687869।